इस वीडियो में मैंने आपको जैम में व्हीकल हायरिंग का टेंडर कैसे अपलोड करते हैं ये बताया है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ईएमडी आपको बैंक में बिजी के तौर पे बनवा लेना है। हर बैंक का अपना प्रोसीड्योर होता है, तो आपको अपने बैंक से कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे ईएमडी बनवाना है जैम के पोर्टल में सबमिट करने के लिए, तो वो आपको आगे का गाइडलाइन कर देंगे। मैंने आपको एक ईएमडी का सबमिशन का यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखाया है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के लिए वही अप्लीकेबल हो, तो बस मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस दिखाया है। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो बिड के लिए आप एप्लीकेबल हैं उसको ढूंढ लें और उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले ये पूछता है कि आपका व्हीकल टाइप क्या है। तो व्हीकल टाइप में आप जो भी गाड़ी देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मेरे केस में मैंने SUV सेलेक्ट किया है और बिड रिक्वायरमेंट भी SUV ही है, तो मैंने SUV को सेलेक्ट कर लिया। SUV सेलेक्ट करने के बाद वो पूछता है कि आपकी कौन सी गाड़ी है, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग गाड़ी का मेंशन किया है। मैंने यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो को सेलेक्ट किया है। डिस्टेंस जो है वो अपने आप आ जाता है। फिर आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी में गाड़ी दे रहे हैं, तो मैंने आउट स्टेशन 24x7 दिया है। फिर गाड़ी का व्हीकल ईयर पूछता है, तो यहाँ पर 3 ईयर दिखाया गया है मेरे केस में। फिर पूछता है कि रनिंग कितना है, मतलब आपका जो अगर कोई पुराना व्हीकल है आप जिसे दे रहे हैं तो वो अभी तक कितना चल चुका है, तो मैंने यहाँ पे 50,000 भरा। आपकी गाड़ी AC नॉन AC जो भी है उसको करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दें। अब आपको यूनिट प्राइस पूछता है, मंथली आप कितना प्राइस आपका डिमांड है, मंथली आप कितना कोट करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें और यहाँ पे फिलअप कर दें। मैंने फिलअप कर दिया। चेंज प्राइस का भी ऑप्शन है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आप सो एस्टिमेशन प्राइस पे क्लिक कर दें। सो एस्टिमेशन प्राइस पे क्लिक करने के बाद आपका यूनिट प्राइस भी दिखाएगा और उसका टोटल वैल्यू जो स्टैंडर्ड का वैल्यू है उसके हिसाब से 3 साल में कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो वैल्यू है 3 साल के बाद आपको कितना मिलना है। तो उसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दें। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे कि सो एस्टिमेशन प्राइस एंड इनस्क्रिप्ट एंड सेव। सो एस्टिमेशन प्राइस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आपका प्राइस दिखाएगा। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इनस्क्रिप्ट एंड सेव पे क्लिक कर दें, यह आपका प्राइस लॉक हो जाएगा। उसके बाद बिड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि 8 या 9 टाइप का बिड का ज़रूरत है जिसे आपको अपलोड करना है। इसमें जिस पे भी स्टार लिखा है वही आपका मैंडेटरी है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कंप्लायंस विथ मोटर व्हीकल एक्ट, इसके ऊपर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में आता है और आपको उसे देना ही है क्योंकि इसके ऊपर मैंडेटरी का साइन बना हुआ है। तो मैंडेटरी का साइन बना हुआ है तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंश्योरेंस, PUC, रोड परमिट और ढेर सारे पेपर्स हैं, तो आपको इन सबों को PDF फॉर्मेट में बना करके इसमें अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में जब आप बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट का नाम ठीक से लिखेंगे, मतलब आपको जस्ट PDF के पहले जो भी नाम लिखना लिख दें। अब मेरा MSC में फर्म नहीं है तो मैंने नो पे सेलेक्ट किया है और इसे सबमिट कर दिया। नो पे सबमिट करने के बाद EMD का फॉर्मेट आ जाता है। EMD का फॉर्मेट में आप देखेंगे कि जब आप जनरेट EMD ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक फॉर्मेट आ जाएगा। मैं आपको ये फॉर्मेट भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आप देखेंगे कि जो बेनिफिशियरी है और जो एप्लीकेंट है उन दोनों का नाम इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है और जितना पैसा देना है वो भी इसमें मेंशन है। जैसे इस केस में सीनियर DFM लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे कि बैंक गारंटी अमाउंट कितना है, फिर एप्लीकेंट का नाम लिखा हुआ है, जैम बिड नंबर भी लिखा हुआ है और अलग अलग कंडीशंस लिखे हुए हैं। ये आपका ड्राफ्ट EMD फॉर्मेट है। किसी भी टेंडर में जब आप सबमिट करेंगे तो ड्राफ्ट EMD फॉर्मेट में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा और उसमें SFMS जो बैंक के यूज़ का है वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, उसका कोड लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि EMD जो आप बैंक से बनवाएंगे उसका फॉर्मेट कैसा है, मैंने उसको भी यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प है जो बैंक ने मुझे बताया था, मैंने उसे बनवाया और उसके नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे मैंने कंटेंट जो EMD ड्राफ्ट EMD का कंटेंट था उसे टाइप करवाया और उसे
बैंक में लेकर के गया, फिर बैंक ने इसे फिलअप किया और बैंक ने इस पर जो भी लिखना था उन्हें लिखा। अब मैं आपको डिटेल्स में जूम करके इसे दिखा रहा हूँ। इसमें भी वही लिखा है जो आपका ड्राफ्ट EMD का फॉर्मेट है, बैंक गारंटी नंबर, EMD का कॉस्ट, फिर नोटरी का स्टाम्प जो बैक पेपर बैक साइड में लगा होता है नोटरी स्टाम्प पेपर के ऊपर, फिर उसके नीचे जो आपका सेकंड पेज है उसमें जो भी अदर कंडीशंस है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके नीचे फिर बैंक मैनेजर का साइन होगा और भी जो भी डिजिग्नेटरी पर्सन होंगे उनका साइन होगा, फिर बैंक एक अलग से, मेरे केस में पंजाब नेशनल बैंक था तो उसने एक और पेपर इसमें लगा करके दिया, वो भी मैंने इनसे बनवाया, इसमें सारा कुछ लिखा होता है। इसे फिर आप बिजी विथ अटैचमेंट बोल के मैंने एक अटैचमेंट किया, इसे अटैच कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके नीचे एक डिटेल फॉर्मेट है जिसमें आपको ढेर सारा चीज़ भरना है, इशुइंग बैंक का नाम, बैंक मैनेजर का नाम, EMD नंबर, बिड नंबर, ब्रांच नंबर, गारंटी नंबर, EMD अमाउंट। तो ये सारा चीज़ आप पहले से एक कॉपी में भर ले और इसे आपको जैम के पोर्टल पे भरना पड़ेगा। ये सारा चीज़ भरने के बाद आप सेव ऑप्शन, यहाँ पर आपसे डेट मांगता है, तो आपका नॉर्मली 45 दिन का वैलिडिटी होता है तो उसको ही अकाउंट करता है। उसके बाद आप वेरीफाई OTP पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP चला जाएगा, और OTP को जब यहाँ पे आप फिलअप करेंगे तो आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा, और टेंडर जब सबमिट हो जाएगा तो आपको दिखाएगा विड्रॉ, विड्रॉ ऑप्शन दिखाएगा, किसका मतलब है कि आपका टेंडर सबमिट हो गया, आपका काम खत्म हो गया। थैंक यू, आपने इसे पेशेंसली देखा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब।